इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोलते भी है, और प्लस अगर ये दोबारा देखने का मन हुआ तो आप देख भी सकते हैं इसमें। बस लास्ट में जो रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, तो ये दो चीजें हम लास्ट में एक्स्ट्रा बताए हैं, वो आप कैसे समझिएगा आप जानिए। अब दोबारा हम बोल देंगे, अभी जो दूसरा सवाल कर रहे हैं उसमें आ जाएगा, ये दो चीज अभी जस्ट एक्स्ट्रा बोल दिए हम। व्हाट विल बी द चेंज इन नंबर वन चार्ज, नंबर टू पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट विल बी द चेंज इन नंबर वन चार्ज, नंबर टू पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर फोर। हम रिपीट करेंगे, व्हाट विल बी द चेंज इन नंबर वन चार्ज, नंबर टू पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर फोर कैपेसिटेंस, नंबर फाइव हाँ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड। उतना मेरे पास टाइम नहीं, उतना बकवास की चलने की कुछ कितना तो आगे पीछे करते रहे। एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक, व्हेन द स्पेस, ये अलग सवाल हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक वाला हो गया, ये बदल जाता है। व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक, when the space between the plates is filled with a dielectric, likhiye when the space between ha with a dielectric dash de dijiyega, number 1 battery remains connected, aur dusra battery is disconnected, jo pehle aap likhna chahe likh sakte hain, battery remains connected, ये जो काम किए हैं इसमें पहला है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, दूसरा है बैटरी डिसकनेक्टेड, बैटरी डिसकनेक्टेड। चलिए अब अपने से सोच के आप जितना दूर तक पहुंच सकते हैं पहुंचिए, दो मिनट का समय आपको दिए, इसी तरह से समझिएगा जैसे हम बोर्ड पे किए हैं। आप लोग रफली बनाना चाहें रफली बनाए, अगर पेयर कॉपी में डायरेक्ट लिख रहे हैं तो हमको उसे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। कहीं कुछ भी पूछना है तो बोल सकते हैं, रफली ट्राई कीजिए और बताइए, बिना बताए काम नहीं चलेगा आपको, बताइए। छुट्टी कर दे जल्दी ही, जल्दी ही छुट्टी करेंगे राज, मैं झूठा था और देखे किसका किसका चिंता है ना, छुट्टी कर देते हैं। कहीं मैथ भी कई लोगों ने पढ़ा है, थक गए हैं, वाह वाह गुटका विभाग बोला, वाह वाह गुटका विभाग इधर वाले पुकारते हैं, इधर वाले गुटका विभाग। तुम तो भाई तुम तो बड़ा वाला ब्रांड का लड़का है सर। लास्ट में क्या बोले, व्हेन द स्पेस, व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, और उसके बाद विथ पहला नंबर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और दूसरा बैटरी इज डिसकनेक्टेड। बड़ा बड़ा हाफी ले रहा है लोग मास्क के अंदर, कोई बात नहीं। चलिए तो आप लोग में जितना दूर भी पहुंचे होंगे हम आगे बताने जा रहे हैं, ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बस ये सीख लेते हैं, 5 मिनट में आपका बैच बंद हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट का पढ़ाई है। कितना मिनट, 5 मिनट, प्रकृति समझ में आया, बनाई कितना बनाई इसमें तो बनाओ, ये आधा तो समझी हो अभी, उसको करो कोशिश। हाँ वो अलग है, उसमें डाई इलेक्ट्रिक है। हाँ ये चीज तो दोनों में हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनिए यहाँ ध्यान से सब लोग, इस बार सेपरेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है, सेपरेशन वही रखा गया है, बस अंतर ये किया गया
बस ध्यान से सीख लीजिए भाई, ये पक्का आपको आएगा। आपको अगर बोर्ड एग्जाम नहीं देना रहता आराम सा जीवन में, तो नहीं तंग करते, लेकिन मजबूरी है। ये देखो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और ये बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिए हैं भाई, प्लीज देख ले आप, शायद आपको ये जीवन में कुछ काम आ जाए। अभी इसको हमने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, देखिए जिसका कांस्टेंट मान लो कितना है, के है। पहला स्टेप अच्छे से, फिर एक और नया चीज बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए अगर बैटरी आप हटा दिए हैं तो क्या नहीं बदलने वाला है, ये रहेगा कांस्टेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए बदलेगा नहीं। एक बात और, चाहे कभी भी कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अगर कभी भी डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया है तो कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स बढ़ जाएगा। ये हम प्रूव भी किए हैं वैसे, कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ेगा दोनों ही सिचुएशन में, कुछ दाया बाया नहीं चेक करना है, समझ में आया। डाइलेक्ट्रिक वाले में कैपेसिटेंस हमेशा कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बैटरी कनेक्टेड हो बैटरी कनेक्टेड नहीं हो कोई भी मतलब नहीं है उससे। हेलो, तो बैटरी कनेक्टेड हो डिसकनेक्टेड हो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। तीसरा देखिए चार्ज, अब तो कोई भी देहाती बता देगा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, और अभी आप चार्ज पूछ रहे हैं भैया तो सी के जगह पे क्या लिखोगे, प्लीज देखो ध्यान, वी के जगह, वेरी गुड, वी के जगह हम वी नॉट लिखेंगे, तो सी नॉट इंटू वी नॉट असल में क्या था, यानी नया चार्ज Q जो है वो पुराने चार्ज का कितना टाइम्स हो जाएगा, यानी चार्ज बढ़ जाएगा, है ना जी। आप घर जाके अपने स्कूल का कॉपी देखिएगा, उसमें टीचर जरूर करवाए ये सवाल, उस समय नहीं समझे होंगे, अभी आप उसको फिर से पढ़िएगा पक्का, वो तो थ्योरी है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरी है, सब करवाए हैं ठीक है, इसलिए प्लीज वहां भी जाके देखिएगा, क्यों हो सकता है उनका केस कुछ अलग हो, तो एक और सवाल आपको मिल जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, बोर्ड पे ध्यान प्लीज, अभी हम इधर का बात कर रहे हैं सिर्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वी बाय डी, जी तो वही है, सेपरेशन वही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला, जरा प्लीज ध्यान दे दे, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी का जगह कितना सी नॉट, के सी नॉट, और वोल्टेज तो कांस्टेंट है यानी कितना, तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर तो हो जाएगा यू नॉट, यानी एनर्जी इंक्रीज किया कि डिक्रीज, कितना टाइम से इंक्रीज किया, यहाँ तक कहीं तकलीफ नहीं, अभी ध्यान दीजिएगा, छापने के लिए अंत में हट जाएंगे स्क्रीन से, आप आराम से देखिएगा, प्लीज बोल सकते हैं कभी भी, कभी बोल सकता है, सुना यहाँ बताएंगे आप, मेरे ख्याल से यहाँ तक ये लिखे थे ना, हाँ। अब आपको ये आज सीख गए ना, तो इसके बाद तो अभी आपको 13 महीने न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, दो तीन दो क्लास या एक क्लास आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, प्लीज उसके लिए माफ कीजिएगा, फिर आप पढ़ते ही नहीं है, आप है खत्म, तो आपको तो खराब लगेगा ही, लेकिन जिस दिन से आप पढ़ने लगे और मन ला के पढ़े फिर भी बोरिंग लगा तो फिर हमें खत्म, आप अच्छे हाँ ऑब्वियसली बात है, पढ़ाई करके आ रहे हैं, आपको मन है पढ़ने का, और मैं ऐसा पागल जैसे चीज पढ़ा रहे हैं कि आपको बोर लग रहा है, मतलब दो दो बार बोलवा रहे का। यहाँ देखो कैपेसिटेंस के बाद इस बार बताओ जरा कि पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय सी, क्यू तो वही रहेगा लेकिन सी कितना टाइम, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी नॉट है वी नॉट बाय के, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया कि डिक्रीज, गौर कर रहे हैं आप ना कि के टाइम डिक्रीज किया, चार्ज भले इंक्रीज किया लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया है, तो यहाँ रहा। हाँ अगला जरा बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज की डिक्रीज, वी बाय डी, वी का जरा क्या लिखेंगे, हाँ गुड वेरी गुड, वी नॉट बाय ए हो गया, सॉरी ई नॉट बाय के, और ई नॉट बाय के क्या हो गया, इंक्रीज की डिक्रीज, प्लीज यहाँ पे सिग्मा वाला यूज मत कीजिएगा, पूछे क्यों, डाइलेक्ट्रिक में भी अपना इंड्यूस चार्ज होता है ना, उससे फर्क पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे कौन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, वी वाला। हाँ यार बताइए एनर्जी के लिए आप क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, यहाँ यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने उसके स्पेस के बीच का डाइलेक्ट्रिक का बात नहीं कर, पूरा स्पेस का ले रहे, क्यू स्क्वायर बाय
क्या होगा इस बार? इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज 1/k। बहुत बढ़िया। क्यू का तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सी के वैल्यू में के टाइम्स ऑफ सी नॉट, तो ये तो आपको यू नॉट का स्क्वायर बाई में टू हो जाए, बाई में टू नहीं, बाई में यू वन नॉट बाई में के, सॉरी यू नॉट बाई में के, मतलब यू जो है वो कितना हो गया डिक्रीज की इंक्रीज। आप गौर कीजिए, एक में इंक्रीज के एक में। अब जो बच्चा एग्जाम समय अभी पढ़ाई नहीं किया, मान लो साल भर नहीं पढ़ा, एग्जाम समय नोट्स लेके रटने लगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा, एग्जाम में कुछ ही पूछ देगा तो कहीं इंक्रीज है कहीं डिक्रीज है, मेन है कॉन्सेप्ट समझना। हम इसका फोटो भेजते हैं, आप इसको देखिए जल्दी। इसमें डाइलेक्ट्रिक का भी खुद का चार्ज इंड्यूस होगा ना, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, उसमें तब आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बदले से कुछ बदलता है ना, तो वो आप यहाँ भी यूज करके बना के देखिए, आप मुझे बताइए कहाँ दिक्कत आ रहा है। वही तो बोलो, तो वहां पे डायलेक्ट्रिक है ना, उसका भी तो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज इंड्यूस होगा, उसका भी वैल्यू हम बता देंगे अभी अगले ही क्लास में, या आज ही बता देते हैं। यही एग्जाम में इसी में से आएगा, एग्जाम कंपटीशन नीट मेंस यही चल रहा है। हाँ, अब इसमें कुछ स्टाइल हम देंगे, वो भी बताने वाले हैं, न्यूमेरिकल और भी रहेगा, लेकिन बेसिक आइडिया यही रहेगा। एसी ठीक हो गया क्या? ओके, अब नहीं एसी ठीक है ना, काम कर रहा है, ठंडा लग रहा है। फोटोज हम भेज दिए, बाप रे बाप, इसका 9000 में काका डिमांड पूरा करवा रहा है, देखता है इधर एसी तो चल ही रहा है, मतलब हाँ चल, पेट्रोल तो भी मांगेगा। देखो भाई, हमको सही है, पेट्रोल का बहुत दुख हो रहा है, पेट्रोल का अगर तुम कुछ करवा सको, कुछ अगर करवा सको पेट्रोल का मेरा कुछ जीवन भर टाइप से फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो कम से कम 50% टाइप से, तो पूछो तो कहाँ है तुम्हारा पेट्रोल पंप? बिहार में है, हम वहां जाएंगे पेट्रोल लेने, हमको दिक्कत नहीं है। अरे तो एक बार जाएंगे, बड़ा बड़ा ड्रम भर भर के ले आएंगे। चलिए अगला लिखने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया सबका, कोई रोकना चाहते हैं? हाँ, हम कुछ बोले होंगे वो झूठ था, आप लिखिए ना आगे। फोटो भेज दिए शायद, हम चेक कीजिए, फोटो नहीं गया है, कई लोग नया चैप्टर का वेट कर रहे हैं ना, इसीलिए हमको जरूरी है कि नया चैप्टर। अब सब अपना पेमेंट टाइम पे कंप्लीट कर दे भाई, ईमानदार बच्चे नहीं करेंगे आज आपको पर्सनली हम ऐसे से आके टोकेंगे। हाँ जी, हाँ जी, फैन काम कर दे, बंद कर दे, अभी ये ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठे बच्चों को बेचैनी ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अगला उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। किसी कुछ पूछना है राजकुमार, बोलो। मैं एक बार व्हाट्सएप चेक किया। ओके, व्हाट्सएप चेक करते हैं, वही पे आपको हम जवाब दे देते हैं, ठीक है राजकुमार? हाँ, तुम ग्रुप में तो नहीं हो, तो किसी दोस्त से मांगो, दोस्त किस चीज के लिए होता है, दोस्त को बोलो, दो दिन के लिए नहीं बात है, दोस्त संभाल लेगा तुमको। देखो शरीफ बच्चों को देखो, सारे बच्चे वेरी गुड, 20 बच्चे आए हुए हैं, आप भी चाहें तो ऑफलाइन आ सकते हैं, अगर आपको अपने जान माल को थोड़ा भी ट्रेन है तो ऑनलाइन करें। हाँ, उसको हम ले लेते हैं।